मना आत्महत्या नहीं करनी है। कर लो सब्जी, तक तो बनाने आ रही है, सब्जी नहीं बनाई यार। अरे छोला भटूरा बना है, डिप्रेशन में रह जाती है तू। काट दो, सुबह उठना काट दो, नहीं काट दो, सब कर लेती है, सुबह उठ नहीं पाती बस। ऐसे कैसी चार लात मार दी है, ब्लॉगर है, रिकॉर्ड करके दिखा दे सबके। आज मेरे हाथ में नहीं आया तो हाँ हाँ गिरा गिरा गिरा। कोई नहीं गाइस, इतनी बेइज्जती के साथ छोला भटूरा खा के निकल जाएंगे यहाँ से। टकली हो जाओगी तुम, बना दो। मैं तुमको किसी की मम्मी से कंपेयर करती हूँ क्या, कि उसकी मम्मी आज इडली सांभर बनाई थी, तुम तो रोटी सब्जी बना के रखती। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, आप सब अच्छे हो? मैं अभी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं कुछ देर पहले सोकर उठी थी, कल थक गई थी एकदम, ऊपर से इतने काम, तो आज मैं थोड़ा लेट उठी, मैं आज 12 बजे उठी हूँ। पर खैर आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में और अपने काम में। घर साफ़ कर देते हैं, मम्मी का रूम स्पेशली, बिकॉज मम्मी आएगी तो बहुत गाली देगी अगर एक भी कचरा उनको मिल गया तो। मतलब मैं सुबह उठ के लगती कैसी हूँ, प्लीज़ डोंट गेट इरिटेटेड गाइस विथ माय डेली सुबह उठने वाला मुँह। देखो बेड तो मैंने प्रॉपर लगा दिया है, ठीक है ना। वो तकिया थोड़ा यहाँ से खुल गया, अब लग रहा है प्रॉपर बेड। थोड़ी यहाँ से सिकुड़न आ गई है, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। थोड़ा इस पर भी कपड़ा मार दूँ। और सिंक में बर्तन तो है ही यार, और सब साफ भी करना पड़ेगा अभी। मेरी तो सुबह ही बर्तन धोने से हो रही है और रात भी बर्तन धोने पे ख़त्म हो जा रही है मेरी। हाँ पर खैर सह लेंगे थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, मुझे झाड़ू मारना थोड़ा मेरी मम्मी के रूम में, बिकॉज जो मेरी काम वाली बाई है ना वो आई नहीं है, मेरी रेखा दीदी। उनका ये कहना है कि जब तक आप नहीं आएंगी भाभी तब तक मैं नहीं आऊँगी। शी इज़ मन मौजी, वो अपने मन का करती है, एंड स्पेशली मेरी मम्मी उसका साथ देती है इस चीज़ में, उसको अपने मन का मौजने देती हैं। अपनी खुद की बेटी को डिसीजन लेने की कोई हक नहीं है, बट टाउन ऑकरानी अपने डिसीजन ले सकती है कि वो नहीं आएगी। मैं ये बोल दूँ तो कहिए चलना साथ में है। और एक ये है गाइस, चाहे मम्मी चली जाए चाहे कोई चली जाए, मम्मी रहेगी तो उनके टुकड़ों पे पल लेंगे, दीदी रहेगी तो उनके टुकड़ों पे पल के खा के सो जाते हैं। पिताजी आ गए। बहुत ही हॉर्न से मैं यही समझ रही हूँ कि पापा को पता चल गया है कौन सा। आ रही हूँ गाइस, ये चाची की थाली है, कल उन्होंने मुझे दी थी। हाँ आ रही हूँ गाइस। एक बार फिर मैं चाची के पास पहुँच गई। हाँ ये तो और थलिया सब्जी कौन ना ले, बस दाल चावल हम कर ले तनी सर। लेकिन कितने बजे आई? 4 बजे तक। तो बताओ तो कितना आया खुशी का, बताओ। खुशी अभी नहीं, अभी मीडिया वाले वो। अरे पहले परसेंटेज बताओ कितना आया है। 94% राज का खाना है यही, मजदूरी करने के बाद का खाना। परसेंट लाती है हाँ। मैं बोली हूँ पैसा और हमको मार्कशीट चाहिए, इसी हिसाब से मिलता है 50,000 30,000 40,000 20,000 रेंट के अनुसार देते हैं लोग। ज़्यादा सुबह लूँ फार्म भर दो। गाइस मेरे तो 70% आए थे तो भी मैं खुश हूँ। बहन के 90% आए हैं, तो उसके चैनल पे जाकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर देना सब लोग। सर 90% खुशी रहा है उसकी आई, सो एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेट हर। सांसु का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल मिलता रहता है, सांसु की हैंड राइटिंग देखने सब लोग। एक नंबर डॉक्टर की हैंड राइटिंग सुंदर एकदम। आज का ज्ञान फैमिली पढ़ लो, पढ़ रही थी मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैड बीन टर्म्ड एज हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट टू क्वालिटी लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, तो इसलिए इसको हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये सबको जानना चाहिए फैमिली। एक बार फिर मैं पढ़ रही हूँ और वो मम्मी हैं, वो मुझे नौकरी का ज्ञान दे रही हैं, बेसिकली लेक्चर दे रही हैं, गालियाँ दे रही हैं मुझे कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और तू ना व्लॉग में निकल रही है ना कहीं और। भागने वाली हूँ गाइस, भाग जाओ। एक साल बाद शादी, क्या मैं भागने वाली हूँ?
भागो भागो जल्दी भागो। भागने वाली हूँ मैं, जल्दी भागो। सच्ची भाग जाऊंगी, भाग जाऊं, लड़के के साथ नहीं भागूंगी, अकेले भाग जाऊंगी। किसी के साथ भाग जाओ, भाग। है ही नहीं लड़का जिंदगी में, अकेले भाग जाऊंगी, भाग जाऊं। रोगी बहुत, कहीं नहीं रोगी, भाग जाऊं। कोई रात में साथ में खाने वाला नहीं आएगा फिर? क्या 25 साल से मैं करते नहीं आ रही तुम्हारे लिए? क्या किया तुम्हारे लिए? बताना बताना जल्दी, बताओ जल्दी। तुम्हारे साथ मैं खाती हूँ डेली, चाय साला, खाना ठंडा हो जाए लेकिन मैं इन्हीं के साथ खाती हूँ। तुम्हें भी पता है कि मैं अगर रात के 8 बजे भी सो जाऊं तो भी मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ सकती। गाइस प्रॉब्लम है, गाइस नहीं प्रॉब्लम है, कोई नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। 25वां बर्थडे आ गया, 2 जून को है मेरा बर्थडे। रो रही थी इसकी सास आ गई तो मेरी सास भी रोई। अगर मैं उसके घर चली गई तो सब्जी तक तो बनाने आ रही है, सब्जी नहीं बनाई यार। इसी बात पे अगर कल मैं सब्जी बना दी तो तुम अपनी मूछ मुड़ा लोगी? हाँ। टकली हो जाओगी तुम? हाँ। टकली हो जाओगी अगर कल मैंने सब्जी एक दिन बना के मुझे खिलाओ? टकली हो जाओगी? हाँ। तो मैं जानूंगी क्या? नहीं तुम क्यों जानोगी, तुम टकली हो जाओगी। नहीं नहीं। हाँ क्यों क्यों क्यों, तुम पता है मैं बना लूंगी यदि तुम टकली हो जाओगी। टकली हो जाओगी तुम्हें बना दूं, टकली हो जाओगी तुम्हें बना दूं। मेरी ईगो पे बात आ गई, मेरा ईगो हर्ट हो गया है, ईगो हर्ट हो गया है मेरा। हर चीज में आगे मैं तुमको किसी की मम्मी से कंपेयर करती हूँ क्या कि उसकी मम्मी आज इडली सांभर बनाई थी, तुम तो रोटी सब्जी बना के रखती। इडली सांभर बनाए बहुत बार बनाए। मेरी तो उसकी मम्मी छोला भटूरा बनाती है डेली सुबह। मैं भी छोला भटूरा बनाती। डेली सुबह बनाओगी? डेली सुबह कोई छोला भटूरा खाता है? तेरा खाता है डेली? हाँ। कैसी ठेलवा पे कुल खाना है? ठेलवा मतलब खाना जो पैसा कमाना है, छोला भटूरा सब खाता है। मैं भी तुमको डेली 60 रुपया दूंगी, एक छोला भटूरे का 60 रुपया पैसा, बना दोगी? डेली नहीं बनाते, डेली बनाते। हफ्ते में एक बार बनाओगी? हफ्ते में एक बार बनाओगी तो मैं काम करने को तैयार हूँ, पढ़ाई भी करूँ, कुछ नहीं करेगी। झाड़ू पोछे का ठेका तुम मुझे दे दो, बस तुम महीने में मुझे 1000 रुपए देना, महीने मुझे 1000 रुपए देना, 1000 रुपए देना झाड़ू पोछे कर दूंगी। मत मानो, मैं तुमको ऑफर दे रही हूँ, तुम्हें लेना नहीं है, ऑफर दे रही हूँ तुम्हें लेना नहीं है। 10 साल से तुम्हारे बाप समझा रहे हैं उठने के लिए, दोनों जन उठते नहीं सुबह। गाइस सुबह उठना काट दो, सुबह उठना काट दो, काट दो। ससुराल जाओगी तो काट दे, ससुराल जाओगी 2 साल में तो उठना नहीं पड़ेगा। क्यों ससुराल जाऊंगी, क्यों उठना पड़ेगा वहाँ भी? उनको बताओ कि ये लड़की सब कर लेती है, सुबह उठ नहीं पाती, बस ऐसे कैसी चार लात मार दी है। ब्लॉगर है, रिकॉर्ड करके दिखा दे सबके, ससुराल वाले लात मारे ना हमके। कुछ खाने को बना दो, पढ़ रही हूँ मैं। अम्मा अम्मा मैं पढ़ रही हूँ, कुछ खाने वाला तो दिमाग नहीं लग पा रहा है मेरा, खाली है पेट मेरा, मुझे तो खाने को मिलता ही नहीं है, मैं कितनी पतली हो गई हूँ, मेरे पे पढ़ाई और मेरे पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है और नौकरी का बहुत प्रेशर भाई, बना क्या ले? बस सुबह नहीं उठ रही हूँ तो इतना वो कोल्ड ड्रिंक पियोगी? अपने पैसे से कोल्ड ड्रिंक ला रही हूँ, तुमको अभी तुम्हारा दिमाग ठंडा करती हूँ मैं। हमारा दिमाग मत ठंडा करो, अपना दिमाग सब ठंडा। सच्ची मम्मी मजाक नहीं, कोल्ड ड्रिंक ला रही हूँ। गाइस अभी मैं ये पढ़ूंगा, इस बार मैं पढ़ूंगा, ये देखो मैंने सॉल्व किया था। अरे ये मेरे घटिया भाई की हैंडराइटिंग है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं पढ़ती हूँ, ये देखो। फैमिली मेरे कहने पर मैगी बन गई, शुक्रिया मम्मी को। ये देखें एक प्राणी और है, एक पशु हमारे घर में जो पलटे रहते हैं किचन में कुछ ना कुछ खाने के लिए, एकदम जिम्मी की तरह बैठता है ये। क्या देख रही है? भक्ति की योगा किसका मैसेज? किसका मैसेज? चाची हिंस गिरावा, यहाँ यहाँ रुक जा, रुक जा, आज मेरे हाथ में नहीं आया तो। हाँ हाँ गिरा गिरा गिरा, वो मैंने कैच कर लिया। मम्मी मैं कैच कर ली, मतलब
बारीक खावी की ऐसे पिल्ला 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 काटना एकदम बारीक और न, वो काट देना मर्चा। अरे छोला भटूरा बना है गाइस, आज नाश्ते में छोला भटूरा बना है। छोला भटूरा मेरे यहाँ पे महीने में एक बार बनता है गाइस, आज वो महीने का एक दिन है जब छोला भटूरा बना है। सच बताओ तुम महीने भर पहले बनाई थी कि नहीं? मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी उस दिन छोला भटूरा बना था, उसके बाद आज मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ तो छोला भटूरा बना है। छोला भटूरा बना है गाइस। डिप्रेशन में तुम बहुत रहती हो क्या? क्या डिप्रेशन में रहती है तू? मेरी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन में थोड़ी सी जिंदगी आ गई है। अरे डिप्रेशन से निकलो, नौकरी करी करो ना, जिंदगी भर रो। डिप्रेशन से तो नहीं निकल पाऊंगी मैं, नहीं निकलोगी? डिप्रेशन से तो नहीं निकल पाऊंगी मैं। तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मेरी जिंदगी डिप्रेशन में ही है। तुम्हारी जिंदगी डिप्रेशन में थोड़ी सी जिंदगी है मेरी। तुम्हारी जिंदगी डिप्रेशन में रहेगी तो तुम हलवा खाओगे दिन भर में। हलवा ढेरी मिलेगा दिन भर। कोई नहीं गाइस, इतनी बेइज्जती के साथ छोला भटूरा खा के निकल जाएंगे यहाँ से। मैंने प्याज कैच किया था तुम्हारा, तुम्हें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए थी। मेरी ऊपर से प्याज कैच किया था मैंने, तुमने मेरे हाथ पे आई बॉम। मैंने प्याज मांगा गाइस, मैंने प्याज मांगा अपने पड़ोस। नौकरी का टेंशन नहीं है, डिप्रेशन का टेंशन है। नौकरी तुम्हें पता भी है डिप्रेशन क्या होता है? चुप रहो। तुम्हें पता है डिप्रेशन क्या होता है? पता है डिप्रेशन, जो डिप्रेशन पता है तो क्यों नहीं पता है? पता है। मना आत्महत्या नहीं करनी कर लो। कौन रोक रहा है? जिस दिन मर गई ना मम्मी, मर जाओ। रोगी तुम? नहीं रोगी। रोगी तुम? नहीं रोगी। तुम ही रोगी। मैं नहीं रोगी। फिर याद करोगी कि क्यों मेरे इस दर्द में तुम मेरा साथ नहीं दे पाएंगे? मैं नहीं रोगी। ये लो फैमिली, मेरी खुशी में खुश हो जाओ, मेरा छोला भटूरा।